नमस्कार, सिटी न्यूज के आज के संक में आपका स्वागत है। गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं जितेंद्र पाठक। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। बेंगाबाद में हुई एक जघन्य हत्या से इलाके में सनसनी, गला रेत कर की गई फुटबॉल खिलाड़ी की हत्या, आपसी रंजिश का मामला हुआ उजागर, दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। द्वितीय ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा अद्भुत समा, समाज के प्रतिभावानों को किया गया सम्मानित। जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन का 30वां महाधिवेशन धूमधाम से संपन्न, निकाली गई भव्य रैली, बाद में नगर भवन में कार्यक्रम कर लिए गए कई फैसले। और पचम्बा के धनैडी में शराबबंदी को लेकर महिलाएं हुई मुखर, निकाली रैली, शराब पीने और बेचने वालों को चेताया। तो अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के किंदुआ टाल जंगल में गला रेत कर एक युवक की हत्या दर्दनाक ढंग से कर दी गई। हत्या से इलाके में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। एक फुटबॉल खिलाड़ी की निर्मम हत्या से बेंगाबाद थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक का शव नदी के किनारे फेंका हुआ पाया गया। घटना स्थल के पास एक खोखा व हथियार भी बरामद हुआ है। बताया गया कि केंदुआ टाण जंगल में 35 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी सुरेश सोरेन की गला रेत कर जघन्य हत्या कर दी गई है। मृतक लुप्पी पंचायत के धोबनी गांव का रहने वाला था। सुरेश के हत्या की खबर से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना पर बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए उसे थाना परिसर में ले आया। बताया गया कि आपसी रंजिश में सुरेश की हत्या हुई है। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर स्थानीय दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। हत्या की खबर फैलते ही थाना परिसर में स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। सुरेश सोरेन नाम का एक नामक व्यक्ति का हत्या हो गया था, जिसको सब अपने कब्जे में लेकर थाना लाया गया है। उसके अंत परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है और उसके परिजन के द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया, आवेदन दिया है उसके कारण कर लिखी जाएगी। अब तक की जांच में क्या लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? अब तक का तो प्रथम दृष्टि लग रहा है किसी हत्या आपराधिक तत्व द्वारा किया गया है और जो भी किया है उसके विरुद्ध कठोर। अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर के मालिक हैं और सोमवार को कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए। सोमवार की सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक राज्य भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 1 अक्टूबर यानी सोमवार को झारखंड के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट दर कम नहीं किए जाने के विरोध में यह फैसला लिया है। बताया गया कि 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य के सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हजारीबाग में पिछले दिनों हुए राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बताया गया कि यूपी, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की तुलना में झारखंड में वैट दर ज्यादा होने से अब एनएच पर चलने वाली गाड़ियां झारखंड में डीजल पेट्रोल नहीं भरवाती, जिसके कारण झारखंड के करीब 500 पेट्रोल पंप बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस बाबत यहां पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि वैट दर कम करने से पेट्रोलियम व्यवसायियों के साथ साथ आम जनता को भी फायदा होगा। झारखंड में वैट बहुत ज्यादा और जो हमारे बगल में स्टेट हैं जैसे बंगाल है, बिहार है, आपका उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों से, राजस्थान है, इन राज्यों से हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है और जो गाड़ियाँ उस साइड से आती हैं और कलकत्ता जाती हैं, जो कि हमारा कलकत्ता नियरेस्ट पोर्ट है, वहाँ एक्सपोर्ट वाला गाड़ी जाती है और भी काम की गाड़ियाँ आती हैं सामान लेकर के, वो सारी गाड़ियाँ हमारे जो
बगल वाले स्टेट हैं जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, वहीं से गाड़ियाँ पर पूरा टंकी में तेल भर के लाते हैं, जिसके कारण उनको एक ट्रिप में कम से कम 1,000-2,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। और वो कोई भी ट्रांसपोर्टर जो है वो नहीं चाहेगा कि उसको हायर रेट पर डीजल किसी और स्टेट में जाके लेना पड़े, जिसके कारण हमारे यहाँ पर झारखंड में बिक्री डीजल की बहुत गिर गई है। और हमारे यहाँ करीब करीब झारखंड स्टेट में 1200 पेट्रोल पम्प है, उन 1200 पेट्रोल पम्पों में कम से कम 500 पेट्रोल पम्प ऐसे हैं जो कि जीटी रोड पर बॉर्डर एरिया पर हैं, वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। अगर आज यही हालत रहेगा तो हम लोगों को ये पंप जो है बंद हो जाएंगे, इनके यहाँ पर जो काम करते हैं मुलाजिम वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इसके अलावा राजस्व जो है सरकार को गिर जाएगा। अभी जो राजस्व सरकार को आ रहा है वो कंपेरेटिवली जो पहले आता था उससे भी कम है। अगर आज हमारे स्टेट में अगर सरकार वैट को कम करके हमारे जो प्राइसेस जो हैं डीजल पेट्रोल की वो हमारे बगल वाले स्टेट के बराबर में ले आवे या उनसे कुछ लोअर पर रखेंगे तो यहाँ पर सरकार को डीजल पेट्रोल का सेल मिलेगा और उसके कारण से उसको राजस्व की प्राप्ति जो अभी मिल रही राजस्व उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं, किसी हालत में नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पर जो ओल कंपनियाँ BCCL CCL वगैरह है ये सब बंगाल से डिमांड पर रखे हुए कई महीनों से सरकार से बात कर रहे हैं वेट कम करने की, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही थी और डिस्कशन भी चल रहा है, लेकिन मजबूरी होकर के हमको सरकार से रिक्वेस्ट करनी है, सरकार को आगाह करने के लिए हम कल 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक टोकन स्ट्राइक पर रहेंगे। और अगर फिर सरकार नहीं सुनती है हमारी बात को या वो व्यक्त नहीं कम करते हैं तो हम लोग मजबूर होकर बात होकर फिर दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। रेट ज़्यादा है यही कारण पेट्रोल पम्प 12 घंटे का बंद भी किया गया है, सुबह से 6 बजे शाम तक। इसकी प्रचार आप लोग किए हैं? हाँ, कर किए हैं और अभी कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, सबको जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए बंद रखा गया है। हर स्थानीय विवाह भवन में रविवार को सार्वभौम शाक्त द्वीपी ब्राह्मण महासंघ का 6ठा सम्मेलन संपन्न किया गया। इस दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर समाज के प्रतिभावानों को सम्मानित किया गया। सार्वभौम शाक्त द्वीपीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा रविवार को विवाह भवन में 6ठा सम्मेलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संतोष कुमार कर रहे थे, वहीं संचालन उदय मोहन पाठक व उदय शंकर उपाध्याय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि देवनाथ शास्त्री उपस्थित हुए, वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, तारानाथ मिश्र, लालजी मिश्र, रामाधार मिश्र, सुधांशु शेखर, शशिभूषण मिश्र, मेघलाल मिश्र, दिलीप उपाध्याय आदि उपस्थित हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई, जिसमें अनिल सिद्धार्थ मयंक के तबला वादन से उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। इसके बाद समाज के वरिष्ठ महानुभावों एवं छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीकांत उपाध्याय, बज्रकिशोर मिश्र, दशरथ मिश्र सहित 25 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मेलन के अवसर पर हम अपने महासंघ के सम्मानित सदस्यों को और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। इसी योजना के तहत आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हम लोग मुख्य रूप से अपने बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे, जो हमारे प्रख्यात लोग हैं उनको सम्मानित करेंगे और मेधावी छात्र छात्राओं को जो है सो प्रोत्साहित। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नरेश प्रसाद पाठक,
राजेंद्र मिश्र, शैलेंद्र मिश्र। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नरेश प्रसाद पाठक, राजेंद्र मिश्र, शैलेंद्र मिश्र, आनंद उपाध्याय, श्याम सुंदर पाठक का योगदान सराहनीय रहा। डॉक्टर लैंड में रविवार को फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर पूजा कुमारी के सौजन्य से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 75 मरीजों को दांतों की जांच की गई। डॉक्टर्स लेन स्थित डॉक्टर पूजा कुमारी के क्लिनिक में रविवार को निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 75 मरीजों के दांतों की जांच निशुल्क रूप से की गई, साथ ही परेशानी पाए जाने पर उसका इलाज भी किया गया। मौके पर डॉक्टर पूजा ने बताया कि शिविर में मरीजों के सड़े हुए दांतों को निकाला गया व अन्य तरह के प्रॉब्लम्स को भी देखा गया है। बताया गया कि क्लिनिक के माध्यम से समय समय पर निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, ताकि अर्थाभाव के कारण वंचित वर्ग के मरीज भी अपना इलाज करवा सकें। वर्तमान भागदौड़ में लोग अपने दांतों की देखभाल नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थिति में असमय दांत सड़ने लगते हैं या गिर जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना आवश्यक है, क्योंकि चेहरे की रौनक स्वस्थ दांत रहने पर ही झलकती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने दांत को सुरक्षित करें। अगर दांत सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हर चीज़ अधूरा है। अगर आप ज़िंदगी में जी रहे हैं, खाना पीना सब कुछ, सब पैसा कमा रहे हैं पर खाना नहीं खा सकते हैं, तो अधूरा है। इसीलिए दांत को सुरक्षित करें, हमेशा अपने दांत का केयर करें, 2 बार ब्रश करें, अपने खाना को मुँह में जमा ना रहने दें, खाना खाने के बाद अच्छे से प्रॉपर वे में अपने दांत को सफाई करें, ताकि आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। कैंप के माध्यम से अभी क्या क्या जांच की? इस कैंप के माध्यम से मैंने बहुत सारे पेशेंट में ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट अपने दांत को प्रति एकदम केयरलेस हैं। बहुत सारे पेशेंट का कम उम्र में ही दांत गिर जा रहा है, किसी बच्चे में ही दांत में, अभी छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे आई है, उसका अभी दांत में दर्द हो चुका है। तो कोई भी अपने दांत के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे मसूड़े की दिक्कत हो रही है किसी पेशेंट को, किसी के पेशेंट में मुँह में बदबू आ रहा है, कम उम्र में ही दांत हिल रहे हैं, सब दांत में पीला पीला बैठा हुआ है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपने, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दांत पे प्रति ध्यान दे, दांत चला जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। हर चीज़ वापस आने का कोई चांस दांत नहीं आ सकता है, और दांत के बिना चेहरा, पर्सनैलिटी सब कुछ अधूरा है। अभी अभी कैंप के माध्यम से क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? कैंप के माध्यम से हम जैसे सारे पेशेंट को उसके दांत के प्रति जो बीमारी है उसको बता रहे हैं, और फिर जो जो ट्रीटमेंट है उनका इलाज भी कर रहे हैं। जैसे कुछ पेशेंट के दांत सड़ चुके हैं तो दांत को निकाल रहे हैं ताकि दूसरा दांत ना सड़े। इस कैंप के माध्यम से हम उनके दांत के प्रति जितनी भी बीमारियां हैं सब कुछ बता रहे हैं, ताकि वो अपने दांत को उस बीमारी से बचा सकें। भाजपा ओबीसी मोर्चा की एक बैठक रविवार को बर्नवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक में संगठन को सशक्त करने पर चर्चा की गई, साथ ही भविष्य की रणनीति भी तैयार की गई। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक रविवार को बर्नवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता श्याम प्रसाद कर रहे थे। वहीं बैठक में प्रदेश महामंत्री सुनील साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनील अग्रवाल, संदीप डंगायच, जिला उपाध्यक्ष विवेक जलान, जिला महामंत्री रविन्द्र कुमार, नगर अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार गुप्ता समेत मोर्चा से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। बैठक में मोर्चा को सशक्त करने की रणनीति भी तैयार की गई। बताया गया कि प्रत्येक सदस्यों को हर प्रखंडों में 25-25 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इस दौरान बूथ कमेटी को मजबूत करने पर चर्चा की गई, साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का मसौदा भी यहां तैयार किया गया। बैठक में आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी
पिछड़ा जाति मोर्चा के जिला समिति के पदाधिकारी और सभी मंडल अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष श्याम प्रसाद जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला पदाधिकारियों की बैठक लगातार करनी है, पूर्व कार्यों की समीक्षा करनी है, रणनीति के तहत अधूरे कार्य को आगे पूरा करना है। जितने भी पदाधिकारी जिला समिति में हैं, मंडल समिति में हैं, उन सभी पदाधिकारियों को पार्टी के तरफ से यह विशेष निर्देश दिया गया है कि अपना बूथ सबसे मजबूत के तहत संगठन कार्य को करते हुए अपने बूथ क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें और मिशन 2019 को लेकर माननीय मोदी जी एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ देश हित में, राज्य हित में और जन हित में सरकार बना सके। डबल पुल नामक एक जिम का उद्घाटन रविवार को शीतलपुर में मुखिया दिलीप वर्मा के हाथों किया गया। मौके पर कई खासवाम मौजूद रहे। शीतलपुर में रविवार को मुखिया दिलीप वर्मा के हाथों डबल बुल जिम जिल नामक जिमखाना का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काट कर किया गया। मौके पर एजाज अहमद सोनू, जिम संचालक विकास कुमार, शंकर राम, रतन कुमार समेत इलाके के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। बताया गया कि जिम जिल के खुलने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, वहीं यह संस्थान लोगों के शारीरिक विकास में भी सहायक साबित होगा। विकास जी, रतन दास, शंकर, इन तीनों के द्वारा डबल बोल जिम जेल का उद्घाटन किया गया है। उम्मीद है कि जिम जाने से इन सभी चीज़ों पर भी रोक आएगा और मैं मेरी ओर से इन तीनों को मेरी शुभकामना है कि इस तरह का कार्य आप लोग करें जिससे आपका और समाज के युवाओं का भी आगे का विकास हो। जिला रेगुलेटर एसोसिएशन का महाधिवेशन नगर भर में खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान एक भव्य रैली निकालकर अपनी एकजुटता का परिचय भी दिया गया। गिरिडीह जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन द्वारा रविवार को नगर भवन में तीसवा महाधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर अध्यक्ष बबलू सानू, महासचिव मोहम्मद सगीर, सचिव मोहम्मद सिराज, कोषाध्यक्ष मोहम्मद नसीम, आफ्ताब आलम, अशोक साव, राजेंद्र साव सहित धनबाद, हजारीबाग, मधुपुर, जमुआ, राजधनवार, बेंगाबाद आदि जगहों से डेकोरेटर्स एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद थे। बताया गया कि कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर बात करते हुए संगठन को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं संगठन से जुड़े सभी लोगों को एक साथ मिलकर चलने की अपील भी की गई। साथ ही आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए उपस्थित सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त संगठन की ताकत बढ़ाने को लेकर सदस्यों को बढ़ चढ़ कर सहयोग करने की बात भी कही गई। इस बार धनबाद, हजारीबाग, चतरा, देवघर, दुमका, मधुपुर सारे गिरिडीह के प्रखंड से लोग आए हैं। इस प्रोग्राम को सफल करने में हमारे तमाम गिरिडीह के मेंबरों का सबसे बड़ा योगदान रहा है और मैं हमेशा चाहूँगा कि गिरिडीह के जितने भी प्रखंड के 13 प्रखंड का मेंबर है, मेरे पास 722 मेंबर है। और रही बात जो दूसरे के बात कर रहे हैं,
उनके बारे तो मेरे बारे पूछिए ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का महत्व है, जिसको ठेप्पा लग गया है, जिसको मोहर लग गया है, उन्हीं का मान्यता होता है। इस चीज़ को सारे लोग भी जानते हैं और इसमें और बात क्या बताएं, इसके आगे आप खुद समझ। सीबीएसई पठन पर आधारित मिड टर्म एग्जाम संचालन इन दिनों जिले भर के विभिन्न विद्यालयों में चल रहा है। जमुआ के रानीडी में संचालित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में भी बेहतर माहौल में परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। इन दिनों विभिन्न विद्यालयों में सीबीएसई पैटर्न के तहत मिड टर्म एग्जाम संचालित किया जा रहा है। जमुआ के रानीडीह में संचालित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में भी मिड टर्म परीक्षा का संचालन चल रहा है। बताया गया कि 12 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा को कदाचार मुक्त माहौल में संचालित कराया जा रहा है। इस परीक्षा में 100% छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। यहाँ परीक्षा संचालन में शिक्षक निखिल जायसवाल, नीरज सिन्हा, रंजीत उपाध्याय, जितेंद्र पाठक, राहुल कुमार, अनिल कुमार, निशा दुबे आदि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फ्रॉम टुडे इन आवर स्कूल मिड टर्म एग्जाम इज कंडक्टिंग एंड वी कवर्ड हाफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई करिकुलम। द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल इज ऑलमोस्ट 100% एंड आई थिंक एग्जाम इज एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिकॉज थ्रू इट दे नो देयर परफॉर्मेंस। थैंक यू। Thankful to all teachers for their hard working and makes children be able to take part in the examination. Thank you. पचम्बा थाना क्षेत्र के धनेडी गांव में शराबी जुआरी पतियों से परेशान होकर महिला ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। बताया गया कि शराब पीते पकड़े जाने पर हजारों रुपए के जुर्माना वसूला जाएगा। जुआ और शराब की लत अगर किसी इंसान को लग जाए तो वह खुद तो बर्बाद होता ही है, साथ ही उनसे जुड़े लोगों को भी बर्बादी के कगार पर ले जाता है। वहीं अक्सर शराब की लत में पति अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं, जिससे तंग आकर कई बार महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। लेकिन अब महिलाएं आत्मनिर्भर और जागरूक हो गई हैं। कोई गलत कदम उठाने के बजाय अब वे अपने हक की लड़ाई लड़ने पर आमादा नजर आती है। इसी क्रम में रविवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के सेनादोनी के धनैडी गांव की महिलाएं अपने शराबी और जुआरी पतियों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने का एक अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला है। बताया गया कि रविवार को महिलाओं ने एक रैली निकालकर पूरे गांव का भ्रमण किया और माइक पर अनाउंस करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। साथ ही महिलाओं ने संगठन बनाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि कोई शराब बेचते पकड़ा गया तो उस पर 7,051 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और शराब पीते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उन पर 1,051 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह जुआरियों पर भी जुर्माने के तौर पर रकम तय की गई है। इस दौरान झारखंड विकास मोर्चा की आसमा खातून, भारती वर्मा, प्रतिभा वर्मा, ललिता देवी, बबीता वर्मा, कविता कुमारी, उषा देवी, सरिता देवी सहित आसपास के विभिन्न गांवों की महिलाएं इस जत्थे में शामिल थीं। और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सभी जगह जुआ का अड्डाबाजी होता है, दारू पी के सब नशेबाजी में रहते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, लड़की लोग कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, वहाँ छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि यहाँ पे जितना दारू का दुकान है कृपया बंद करवाएं, अन्यथा जितना महिलाएं लोग यहाँ पर आई हुई है और यहाँ झारखंड विकास महिला मोर्चा के भी सदस्य लोग आई हुई है, प्रखंड अध्यक्ष भी आई हुई है, शराब पीते हैं और फिर जुआ लगाते हैं, अपने घर आके अपने लेडीज बीबी को मारपीट करते हैं, इस वजह से मतलब हम लोग जुलूस निकाले हुए हैं। अभी पत्नी पर भी झगड़ा होता है, इसी के वास्ते हम लोग जुलूस निकाले हैं और जो कमाते हैं वो दारू पी के ही उड़ाते हैं। और जैसे ऐसे मतलब अन्याय करेगा तो हम लोग जुर्माना लगा रहे हैं, 7,051 रुपया बेचने वाला को, और जो पकड़ा जाएंगे पीने में उसको 1,051 रुपया हम लोग जुर्माना लगा रहे हैं। हम लोग सभी दीदी मिल के निर्णय कर लिए हैं कि जाएंगे और पूरा बोतल तोड़ फाड़ देंगे, और जो यदि बोलेगा अपना बीवी को आके घर में
आप क्यों गए थे जुलूस में, क्यों हम लोग जाके वहाँ एक किए, हम लोग का शराबी बंद कर रहे हैं, तो क्या हम लोग क्यों नहीं करेंगे? है नहीं है सो, और जो जुआ खेलते हैं वो साड़ी उड़ी सब बेच देते हैं, घर का सारी सामान बेच देते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं मेरे गांव में, इसीलिए हम जुलूस निकाल के और सबको मना कर रहे हैं, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे। कितना जुर्माना लगेगा? जो नहीं मानेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, जहाँ जुआ चलेगा वहाँ जाके मारपीट करेंगे, और जो दारू बेचने वालों को भी जुर्माना लगाएंगे। रविदास महासभा का एक सम्मेलन रविवार को अम्बेडकर भवन में संचालित किया गया। कार्यक्रम में समाज को सशक्त बनाने की रणनीति बनाई गई, साथ ही इसको लेकर कई तरह के फैसले भी लिए गए। अम्बेडकर भवन में रविवार को रविदास महासभा के नेतृत्व में प्रखंड व नगर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सुखदेव दास व प्रकाश दास कर रहे थे, जबकि संचालन मधु राव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रविदास महासभा के जिला अध्यक्ष कमल दास उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंजू कुमारी व जिला महासचिव शिव नारायण दास शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठन को सशक्त बनाने पर बल दिया गया। इस दौरान कहा गया कि वर्तमान में आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तभी अपने अस्मिता को बचाया जा सकेगा। यहां इस कार्यक्रम की सफलता में शिव नारायण दास, त्रिभुवन दास, वीना देवी, मोहन दास, नारायण दास, गोवर्धन दास, टेको दास, छोटे लाल दास, दशरथ दास, ललन दास आदि लगे हुए थे। कदम बढ़ाना है कि हम लोग जितना था मंदिर मस्जिद में बात बोलता है, इसलिए बात में कि मेरा जात में हम लोग थोड़ा एक अंत में भी ये गरीब एक सेट में बिक रहा है, इसलिए कि सारी समाज दास महासभा के तत्वाधान में नगर कमेटी और प्रखंड कमेटी के द्वारा जिला रविदास महासम्मेलन का आयोजन जिला मुख्यालय अम्बेडकर भवन ऑफिसर्स क्लब में किया गया, ऑफिसर्स क्लब अम्बेडकर भवन में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को आगे, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, तो मुख्य उद्देश्य मेरा ये कहना है कि समाज वालों से कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले शिक्षित होइए, शिक्षा के कमी से सारे दिक्कत आती है सामने, अगर आप शिक्षित हो जाइएगा तो सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी आपको हर जगह तरजीह मिलेगी, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस के मामले में हो, जॉब के मामले में हो। इस भारत देश में आज भी जो संविधान के प्रति जो एक तरह से जो खिलवाड़ हो रहा है, संविधान को जो चलाया जा रहा है, दलित समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वैसी घटनाओं को रविदास महासभा जैसे निंदा करती है, वैसी घटना को दुख प्रकट करती है कि दलित समाज के साथ भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस भारत देश में, भारत देश में सबों का मान सम्मान बराबर होता है, संविधान के माध्यम से सबों का हक बराबर है और किसी को भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। समाज के प्रति समर्पित भावना से काम कर रहा है, आपका समाज का बेटा, आपका समाज का भाई, आपका सुचिंता के समाज के प्रति हमेशा लगनशील भावना से काम कर रही है। धन्यवाद। तो अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। बेंगाबाद में हुई एक जघन्य हत्या से इलाके में सनसनी, गला रेत कर की गई फुटबॉल खिलाड़ी की हत्या, आपसी रंजिश का मामला हुआ उजागर, दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सातवीं ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा अद्भुत समा, समाज के प्रतिभावानों को किया गया सम्मानित। जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन का 30वां महाअधिवेशन धूमधाम से संपन्न, निकाली गई भव्य रैली, बाद में नगर भवन में कार्यक्रम कर लिए गए कई फैसले। और पचम्बा के धनईडी में शराबबंदी को लेकर महिलाएं हुई मुखर, निकाली रैली, शराब पीने और बेचने वालों को चेताया। तो आज के इस अंक में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।